नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। क्रिकेट के महाकुंभ का लगभग आधा सफर पूरा हो चुका है, जिसमें भारत को अभी तक 4 मैच खेलने थे, जिनमें से 3 मैच भारतीय टीम ने खेले भी और जीते भी, और एक मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, वो मैच तो बारिश ने ऐसा धोया कि ना न्यूजीलैंड ही खेल सकी और ना ही भारतीय टीम। लेकिन जो 3 मैच इंडिया ने खेले, उसमें अगर बेस्ट परफॉर्मर की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है रोहित शर्मा का, जिन्होंने ना सिर्फ 16 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सबसे ज्यादा रन बनाते हुए 140 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुने गए, बल्कि 5 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मैच में सबसे ज्यादा रनों का स्कोर खड़ा कर रोहित शर्मा का ही प्रदर्शन सबसे ज्यादा बेहतरीन रहा था। 122 रन बनाकर नाबाद रहे रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मैन ऑफ द मैच चुना गया था। फिर 9 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। अभी तक के मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद 16 जून को जब पाकिस्तान पर जीत हासिल कर रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने उनसे कुछ ऐसा पूछ लिया जिससे रोहित शर्मा को हंसी आ गई, और फिर उस सवाल के जवाब में उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद पत्रकारों की ही हंसी छूट गई। पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तान की टीम अभी बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसे में कोलीग होने के नाते आप पाकिस्तान के बल्लेबाजों को क्या नसीहत देना चाहेंगे जिससे वो अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाए। जिस पर रोहित मुस्कुराए और कहा कि वो तभी कोई सलाह देंगे जब उन्हें पाकिस्तान टीम का कोच बनाया जाएगा। रोहित शर्मा ने कहा, अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो मैं बताऊंगा, अभी से क्या बताऊं। बस रोहित शर्मा का इतना कहना भर था कि कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोग जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। वहीं रोहित से जब उनकी शतकीय पारियों के लिए सवाल किया गया तो उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपनी बेटी को दिया। भारतीय टीम के उपकप्तान ने कहा, मैं अभी अच्छी स्पेस में हूँ, मेरी जिंदगी में बेटी आई जिससे मैं काफी खुश हूँ। मैं आईपीएल से अपने क्रिकेट का आनंद ले रहा हूँ। यहाँ हमने बेहतर शुरुआत करने पर ध्यान लगाया और मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में 50 ओवर में 5 विकेट खोकर रोहित शर्मा के 140, कप्तान विराट कोहली के 77 और केएल राहुल के 57 रनों के साथ 336 रन बनाए थे और पाकिस्तान पर 89 रन से जीत दर्ज की थी, और इस जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सभी मैचों में जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा है, और इसी के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच 7 वर्ल्ड कप मुकाबले हुए हैं और सभी मैचों में भारत ने जीत हासिल की है। Bye.
Bye.